फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी स्वेटर पैटर्न की डिज़ाइन, जो कि आप जेंट्स, लेडीज़ या बच्चों के स्वेटर पर भी डाल सकती हैं, या आप लेडीज़ कार्डिगन बना रही हैं, लेडीज़ ब्लाउज बना रही हैं, तो भी ये डिज़ाइन बहुत प्यारी लगती है। बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है बनाना। और मैंने कोशिश की है कि बहुत ही ईजी वे बताऊँ आपको, जिससे आप आसानी से इस डिज़ाइन को समझ पाएँ और बना पाएँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे। हम यहाँ से अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी बॉर्डर बना ली है और अब इसे बनाना शुरू करते हैं। 3 के मल्टीपल में ये फंदे लेने होते हैं इस डिज़ाइन के लिए, +1। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक सीधा और एक उल्टा बुनकर इसकी ये बॉर्डर बनाकर रेडी कर ली है। और अब इसके ऊपर से जो पहली लाइन बनेगी, सबसे पहले ये फंदा उतारेंगे एक, और ये वाली लाइन पूरी सीधी बुनी जाएगी इस तरह से। देखिए इस तरह से बुनी जाएगी ये। तो पहले ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे फ्रंट साइड से। अब ये लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये फर्स्ट रो हमने पूरी एक लाइन सीधी बुन के कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके बैक साइड में आएंगे। फ्रंट से हमने सीधी बुनाई कर ली है एक लाइन, और अब फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ गए हैं सेकेंड रो पे। और इस पैटर्न में हमेशा डिजाइन पीछे से शुरू होती है, तो ये हमारा बैक साइड है। तो चलिए अब सेकेंड रो बनाना शुरू करते हैं और यहीं से हमारा पैटर्न शुरू होगा। सबसे पहला जो घर है इसे हम ऐसे निकाल लेंगे, उतार लेंगे, और सेकेंड वाला जो है इसे पर्ल बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से उल्टी बुनाई करके निकाल लेंगे। अब ये 3 फंदे का पैटर्न बनता है, 1, 2 और 3। तो इस तरह से हमें इस तरह से फंदे लेने हैं, देखिए ऐसे, और इस तरह से लपेट कर ऐसे निकालेंगे 1। अब इस धागे को सिलाई के ऊपर एक बार ऐसे लपेटेंगे और फिर एक बार बुनेंगे। तो एक तो हमने फंदा पहले बनाया, दूसरा हमने लपेटा वो दूसरा फंदा बन गया, और तीसरी बार फिर हमने बुनाई की। तो इस तरह से हमारे 3 फंदे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से 3 फंदे हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब एक फंदा हमें उल्टा बनाना है, ये इस तरह से उल्टा। फिर से यही रिपीट होगी, 3 फंदे, एक फंदा आ गया। एक बार हम इसे ऐसे लपेटेंगे और फिर से ऐसे बनाएंगे। इससे हमारे जो 3 फंदे हैं 3 के 3 आ गए, 1, 2 और 3। तो ये सेकेंड रो है और बैक साइड है। बैक साइड से हमेशा ये डिजाइन शुरू होगी। तो देखिए ये 3 का 3 आ गया। फिर हम एक उल्टा बुनेंगे या पर्ल, फिर से 3 फंदे। ये देखिए 3 फंदे, 1, इस तरह से लपेटेंगे 2 और ये 3। फिर से पर्ल, फिर 3 फंदे को एक ही सिलाई पर लेंगे, 1, एक बार बना लिया, एक बार सिलाई पर ऐसे लपेटेंगे 2 और ये 3। और यही चीज़ें रिपीट होगी पूरी सिलाई पे। तो सेकेंड रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए सारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है और ये लास्ट के 2 हैं। तो इसे भी हम इस तरह से, एक तो ये उल्टा जो बनना है 3 के बाद 1 वो बना ली, और 2 साइड के 2 उल्टे,
ये बन गए, यानी कि सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं थर्ड रो, फ्रंट थर्ड रो, फ्रंट में हम आ गए हैं और ये हमारा थर्ड रो है। तो चलिए सबसे पहला फंदा स्लिप करेंगे और ये पूरी पैटर्न, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन हमें सीधी बनानी है इस तरह से। ये फ्रंट है तो जैसे हमने रो वन बुनाई की थी उसी तरह से हमें रो थर्ड भी बुनाई करनी है। जैसे फर्स्ट रो बनती है वैसे ही थर्ड रो बनती है। फर्स्ट रो फ्रंट से शुरू होती है जो कि पूरी सीधी बुनी जाती है। सेकेंड रो में थ्री का थ्री निकालते हैं हम, एक उल्टा, ये पैटर्न है। और फिर थर्ड रो जो फ्रंट से आते हैं तो ये हम सीधी बुनाई करते हैं। तो ये जो सीधी रो है ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद आपको फोर्थ रो में फिर से बताती हूँ। थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं आ गई हूँ फोर्थ रो, फोर्थ रो बैक साइड। तो चलिए देख लेते हैं। फोर्थ रो के लिए सबसे पहला फंदा हमें स्लिप करनी है, इस तरह से फंदे को आगे लेंगे और ये जो तीन है, वन टू और थ्री, ये थ्री हमें पर्ल बना लेनी है, उल्टा बुनाई कर लेनी है इसकी, इस तरह से एक दो और ये तीन, ये तीन हमने पर्ल बना ली। और अब यहाँ से पैटर्न शुरू होगी क्योंकि ये देखिए ये फूल है, ये देखिए ये फूल है। तो एक हमने इससे ली है, ये वाली फंदा, इस फूल में से एक ली है और एक हमने ये वाली जो फूल है इसमें से ली है और ये बीच का जो पर्ल था वो है। तो इस तरह से हमारी जो डिजाइन है एक दूसरे के ऊपर नहीं बनेगी, ऐसे साइड में, इस तरह से साइड में बनती जाएगी और बहुत ही सुंदर सा पैटर्न आएगा। तो इसलिए हमने इसी तरह से लेनी है। तो सबसे पहला फंदा हमने स्लिप की, तीन हमने पर्ल बनाई और अब इन तीनों में हमें डिजाइन बनानी है। फिर से तीन फंदा इस तरह से बनाएंगे, एक निकाल ली, एक बार ऐसे टर्न करेंगे और फिर एक फंदा, ये देखिए डिजाइन बन गई। एक हमें पर्ल बनानी है, उल्टा बुनाई करनी है, फिर से तीन का, ये देखिए इस तरह से वन, धागे को इस तरह से लपेटेंगे, टू एंड थ्री, फिर से एक पर्ल या उल्टा बुनाई, ये देखिए। इसी तरह से हमें फोर्थ रो कंप्लीट कर लेनी है। तो फोर्थ रो कंप्लीट मैं कर लेती हूँ और ये जो डिजाइन है ये फोर्थ रो का है। तो ये बैक साइड से ही हमेशा डिजाइन शुरू होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। फोर्थ रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए रो फोर्थ हमारी कंप्लीट हो गई है, ये बैक साइड से रो फोर्थ थी और अब ये रीस्टार्ट होगी यहाँ से। तो अब ये पहला लाइन जैसे हमने प्लेन बुनी थी, सीधी बुनाई करी थी, ऐसे ही हमें सीधी बुनाई करनी है और थोड़ा सा बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी आती है। वैसे एक ही डिजाइन अभी बनी है और ये देखिए बहुत ही सुंदर सा फूल आने लगा है, ये देखिए। तो मैं इसको थोड़ा और बना लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इस पैटर्न को थोड़ी सी और बना ली है और इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। बहुत ही प्यारी लगती है डिजाइन, और डिजाइन पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।